स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली त्योहार के बारे में। हरेली त्योहार हरियाली का प्रतीक माना जाता है। किसान अपनी फसल की सुरक्षा की कामना करते हुए हरेली त्योहार मनाते हैं। जब किसान आषाढ़ के महीने में अपने खेत में फसल उगाता है तो श्रावण महीने के आते धान की फसल हरा भरा हो जाता है, तब किसान अपनी फसल की सुरक्षा हेतु हरेली त्योहार मनाते हैं। अमावस्या अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को किसान अपनी खेत एवं फसल की धूप दीप अक्षत से पूजा करते हैं ताकि फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हो। पूजा में विशेष रूप से भिलवा वृक्ष की पत्ते टहनियां तथा दशमूल को खड़ी फसल में लगाकर पूजा करते हैं। माना जाता है कि इससे कई प्रकार की हानिकारक कीट पतंगों एवं फसल में होने वाले बीमारियों से रक्षा होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। हरेली त्योहार को पारंपरिक एवं लोक पर्व माना जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार सुरक्षा के लिए घरों के बाहर नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं। इस दिन धरती माता की पूजा कर हम भरण पोषण के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। पारंपरिक तरीके से लोग गेड़ी चढ़कर हरेली की खुशियां मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरेली त्योहार के दिन किसान अपनी खेती बाड़ी में काम आने वाली सभी औजार हल फावड़ा कुदाली और आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर आदि को नहलाकर पूजा की जाती है। बस्तर में यही त्योहार अमूस तिहार के नाम से मनाया जाता है। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उत्सवों में से एक है। यह छत्तीसगढ़ का एक पुराना पारंपरिक त्योहार है जो हिंदुओं के पवित्र महीने श्रावण व शुरुआत का प्रतीक है। हरेली त्योहार वास्तव में वर्ष के मानसून पर केंद्रित फसल का त्योहार है। हरेली अमावस्या को कोई भी किसान अपने खेतों में कार्य नहीं करते हैं, इस दिन खेती कार्य करना वर्जित है। हरेली त्योहार को गेड़ी चढ़ने का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन लोग बांस की लकड़ी से गेड़ी बनाकर गेड़ी चढ़ते हैं। गेड़ी चढ़ने का आनंद ही अलग है। लोग इस दिन गेड़ी चढ़कर आनंद उत्सव मनाते हैं। हरेली में गांव व शहरों में नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होगी। सुबह पूजा अर्चना के बाद गाँव के चौक चौराहों पर युवाओं की टोली जुटेगी और नारियल फेंक प्रतियोगिता होगी। नारियल हारने और जीतने का यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। इसी तरह नारियल जीत की धूम शहरों में रहेगी। हरेली के दिन गांव-गांव में लोहारों की पूछ परख बढ़ जाती है। इस दिन लोहार हर घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती लगाकर और चौखट में कील ठोककर आशीष देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की अनिष्ट से रक्षा होती है। इसके बदले में किसान उन्हें दान स्वरूप स्वेच्छा से दाल चावल सब्जी और नगद राशि देते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।